ओके, चैप्टर टू सिविक्स में, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस अपने कंबाइंड है। ओके, तो चैप्टर टू। यस, कम ऑन द टॉपिक डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी मीन्स हमने किया। ओके, मैं रिकॉल कर लेता हूँ एक बार, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाइवर्सिटीज है क्या। ओके, तो डाइवर्सिटीज मीन्स क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि अपनी जो कंट्री है, इंडिया है, काफी वास्ट कंट्री है, काफी बड़ी है। ओके, काफी बड़ी कंट्री है। यहाँ डिफरेंट रिलीजियंस के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट है, उनका कल्चर अलग अलग है। ओके, तो इस तरह से अपनी जो कंट्री है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को। ओके, तो ये जो डिफरेंसेस है, दिस इज आल्सो नोन एज डाइवर्सिटी। इससे ही हम ये जो डिफरेंट वेराइटीज है या डिफरेंट डिफरेंसेस हैं, ओके, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं यहाँ पे, उनकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग है, कल्चर्स उनका अलग है, फूड हैबिट्स उनकी अलग है, वो जो ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं वो भी अलग है, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी उनके अलग अलग हैं। तो ये सभी चीजें मिलकर डाइवर्सिटी कहलाती है। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस पे इफेक्ट डालते हैं। ज्योग्राफिकल भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एंड क्लाइमेट भी हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट क्या है, ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अपनी यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा दिखाई देती है। ओके, इसके नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मीन्स, आपने पहले मैंने अच्छी तरह समझाया था, एक बार और बता देता हूँ। प्रिजुडिस मीन्स क्या है, किसी के बारे में हम पहले से ही जज कर लेते हैं। एनी पर्सन है, कोई भी लोग हैं, उनके बारे में हमने पहले ही से सोच रखा है, या हमने उसको पहले एक बार देखा या फिर उसे नहीं देखा, उसके बारे में हमने केवल सुना है, तो हम उसके लिए अपने मन में क्या कर लेते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन या उसकी जो एक इमेज है वो हम पहले से ही बना लेते हैं। और अधिकतर ये जो इमेज है उसकी नेगेटिवली बनती है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं प्रिजुडिस, कि पहले से ही उसके बारे में हमने अपने आप को रेडी कर लिया कि इस तरह का लोग ये व्यक्ति होगा, तो इसे हम बोलते हैं हिंदी में पूर्वाग्रह। ओके, क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह। एग्जाम्पल मैंने बताया था, अपनी कॉलोनी में है कोई, इमेजिन कीजिए कोई मुस्लिम फैमिली है। ओके, तो हम उसे देखकर सोचेंगे कि हो सकता है ये टेररिस्ट होगा। ओके, क्योंकि वो वैसा है नहीं, वो बिल्कुल सिंपल मैन है, नॉर्मल है, ओके, अच्छा है, बट हमने उसके बारे में पहले सोच रखा है कि हमें जहां से भी सोर्सेज मिलते हैं वहां से हमने उसकी एक पहचान बना ली कि शायद इस तरह से ये होगा। ओके, तो प्रिजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और टू सी देम एज इंफेरियर विदाउट एक्चुअली नोविंग एनीथिंग अबाउट, और उनके बारे में बिना कुछ जाने ही हम उनके बारे में अपनी मेंटेलिटी डेवलप कर लेते हैं। ओके, उसे इंफीरियर मानते हैं और उसे अपने से छोटा मानते हैं, तो इससे ही हम प्रिजुडिस कहते हैं। ओके, ये क्लियर था, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी आपको, कुछ पूछना है इसमें, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। इमेजिन कीजिए जैसे आपके इसमें बुक है, कोई गांव से कोई बच्चा है अपनी क्लास में, वो पढ़ रहा है। ओके, न्यू एडमिशन है, अभी उसके पास स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं है। ओके, स्कूल में क्या रूल्स है उसको पता नहीं है, तो अपने जो गांव की लैंग्वेज है या उस तरह का जो, जहाँ से वो पढ़कर आया है उस तरह से वो क्लास में कुछ दिनों तक रहेगा। ओके, अब हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हमें ये, हमने ये सोच लिया कि ये गाँव से आया है, विलेज से आया, तो ये काफी पढ़ाई में बिल्कुल दवा टाइप का होगा, तो हमने उसके लिए सोच लिया, बट हमें बाद में पता लगता है वो तो काफी इंटेलिजेंट है। ओके, लेकिन हमने पहले से ही उसकी अपनी मेंटेलिटी बना ली और वो नेगेटिवली बना ली कि ये तो पढ़ाई में कमजोर होगा, बैड मैनर्स होगा, है ना, इस तरह की। बट रियलिटी उसके बिल्कुल अगेंस्ट भी हो सकती है, तो इससे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिजुडिस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अपने टॉपिक था इसमें डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव होना। ओके, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज, डिफरेंट वेराइटीज। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जैसे हम किसी के, अगर उसके लिए अपन भेदभाव करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ओके, ये डिफरेंट टाइप से हो सकता है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई रिच है कोई पुअर है इस तरह से, या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग हो सकता है,
गर्ल है, वुमेन है, मैन है, गर्ल है, बॉय है, मैन है, वुमेन है, या फिर कास्ट है, ओके, रिलीजियन है, या उसका कलर है, तो डिफरेंट ऐसे बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ में भेदभाव कर लेते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ओके, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली और नेगेटिवली ऑन ग्राउंड्स ऑफ एज, डिसेबिलिटी, जेंडर, इनकम, नेशनलिटी, कलर और रिलीजियंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर था अपना? यहाँ आपको कुछ पूछना है इस दोनों तीनों पॉइंट्स में? फर्स्ट हो गया आपने जो प्रेजुडिस हो गया, ओके, और सेकंड अपना डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो इन दोनों में आपको कुछ पूछना है? अब देखिए जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो क्या है, स्टीरियोटाइप। ओके, अभी हमने प्रिजुडिस किया, तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर लगभग वैसा है, ओनली थोड़ा सा इसमें चेंज है कि जो प्रिजुडिस में होता है पूर्वाग्रह, कि हमने पहले से उसके बारे में कुछ सोच रखा, एंड नेक्स्ट होता है स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िबद्धता की अपने जो सोसाइटी है, अपना जो समाज है, उसके अंदर कोई चीज बहुत पहले से चलती आ रही है, तो वैसी ही अपनी मेंटेलिटी बन जाती है। ओके, वैसी अपने क्या हो जाती है, वैसी अपनी मेंटेलिटी बन जाती है, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप बोलते हैं। ओके, कि पहले से वो चलता आ रहा है इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो ये स्टीरियोटाइप कहलाते हैं। जैसे कि स्टीरियोटाइप इज ए बंच ऑफ ट्रेड्स, बंच ऑफ ट्रेड्स दैट इज एसोसिएटेड विद अ मेंबर ऑफ ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप। इमेजिन कीजिए कि जैसे कोई एक फैमिली है बहुत पुरानी चलती है, जैसे अपने नॉर्मल है राजस्थान में हम देखते हैं कि जो फैमिली मेंबर है उसके अंदर जो बहुएं हैं, ओके, तो वो घूंघट लेती है। ओके, वो अपने सास ससुर से क्या लेगी, घूंघट लेती है। तो ये बहुत पहले से चलता रहा, ऐसा कोई कानून नहीं है, है क्या कोई कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, बट अपने राजस्थान का ये कल्चर है, ये चीजें पहले से चलती आ रही है। ओके, कि कोई बुजुर्ग आ गया तो उसके सामने घूंघट ले लेना, कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, बट ये पहले से चलता रहा। तो जनरेशन टू जनरेशन ये क्या होते रहते हैं, जाते रहते हैं और ये चीजें कंटिन्यू चलती रहती है। अगर फिर कोई ऐसा नहीं करता तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये बैड मैनर्स हैं। ओके, तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें रहती है जो कि स्टीरियोटाइप के लिए पहले से चलती आ रही है, या किसी के बारे में हमने कुछ उसके बारे में कुछ सोच रखा है, सुन रखा है, तो वो भी इसी में आती है। तो इस तरह से प्रिजुडिस एंड जो स्टीरियोटाइप लगभग एक जैसी होती है और उसमें बहुत माइनर सा क्या है, डिफरेंस है। ओके, देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। प्रिजुडिस ऑफन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप, देखो लिखा हुआ है इसमें, प्रिजुडिस ऑफन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप इज ए बंच ऑफ ट्रेट्स, और बंच ऑफ ट्रेट्स का मतलब है कोई विशेष लक्षण, किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई विशेष उसकी विशेषताएं हो सकती है, लक्षण हो सकते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक स्पेशल ग्रुप, और वहां उस सोसाइटी के या उस ग्रुप के सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। इट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड थिंकिंग स्किल्स, और उसी का जो इफेक्ट है उनके जो बिहेव है या उनकी जो स्किल्स है उन सब पर उस जो मेंटेलिटी का इफेक्ट है वो डायरेक्ट देखने को मिलता है। दैट इज हाउ वाज ऐसे एस्पेक्ट्स, गर्ल्स आर फ्रेंडली, वार्म, सेंसिटिव एंड इमोशनल। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स है ये फ्रेंडली रहती है, उनका नेचर सॉफ्ट माना जाता है। ओके, कहीं ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा मान लिया जाता है कि जो गर्ल्स है वो फ्रेंडली रहती है, उनका नेचर सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होती है और इमोशनल भी होती है, कि थोड़ा सा उनको डांट दे वो रोने लग जाएगी, चाहे वो रोए नहीं, ओके, वो भी उसको डांट दे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ये तो गर्ल है और कोई बात नहीं, इसको ज्यादा परेशान मत करो, ये रोने लग जाएगी। ओके, तो ये चीजें फैक्ट नहीं है, बट ये काफी पहले से चलती आ रही है, तो लोग उसको उसी तरह से मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। थिंकिंग स्किल्स है, दैट इज हाउ वाज ऐसे स्टेप्स, जबकि वास्तव में ऐसा हो सकता नहीं हो। एंड इमोशनल, वाइल बॉय आर एम्बिशियस, जबकि बॉय क्या रहता है, महत्वाकांक्षी रहता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ओके,
तो ऐसा माना जाता है कि वो काफी एम्बिशियस होते हैं, आगे से आगे करना चाहते हैं, कुछ न्यू करना चाहते हैं, काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, टफ होते हैं। ओके, जो गर्ल्स होती है या वुमेन होती है उनका काफी सॉफ्ट रहता है ऐसा मान लिया जाता है, और जो बॉयज होंगे या मेन होंगे उनका नेचर काफी टफ होगा। ओके, डोमिनेटिंग होगा कि वो जो गर्ल्स है या बॉयज जो वुमेन है उनके ऊपर हावी होना चाहते हैं, कि अपने आप को बॉयज है वो उनसे सुपर बन शो करना चाहते हैं कि हम सुपीरियर हैं। ओके, तो ये मेंटेलिटी चलती आ रही है और ये काफी पहले से चलती आ रही है, अभी भी ऐसा चल रही है। तो ये इस तरह की जो मेंटेलिटी है दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप। जैसे कि लड़का है, बॉय है, छोटा सा है, उसको मम्मी कहते हैं कि जा शॉप पर से सामान लिया, कभी भी वो चले जाएगा, छोटा सा है लिया आएगा। गर्ल है, वो बड़ी है, समझदार है, फिर भी उसको कहेंगे तू रहने दे, अगर तू जा रही है तो छोटे भाई को भी साथ में ले जा। ओके, तो इस तरह की मेंटेलिटी बनी हुई है, तो वो सभी फॉलो उसे सभी लोग उसको फॉलो करते रहते हैं, तो ये सभी चीजें उसमें शामिल होती है स्टीरियोटाइप के अंदर। क्लियर है? द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, दैट द टेंड्स टू इग्नोर द अनइक्वेनेस। ओके, ऑफ वी से दैट पीपल बिलोंगिंग टू ए सर्टेन कंट्री, इसी तरह अपन कह सकते हैं जैसे कि हमने जो प्रिजुडिस में पढ़ा उसी तरह की ये उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। गुड आफ्टरनून श्रियांश, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। श्रियांश मोस्ट वेलकम। अभी जस्ट मैंने क्लास स्टार्ट की है, 1 मिनट ही हुआ। ओके, अच्छा हो आप टाइम पर आ गए, नेक्स्ट टाइम पर ध्यान रखना क्लास का। ओके, और मैंने इतने पॉइंट्स क्लियर कर दिए श्रियांश, और आप इतने लेट आए हो। श्रेयांश यू आर वेरी लेट, अबाउट 13 मिनट्स लेट। ओके, क्लियर है बच्चों? स्टीरियोटाइप को इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी पार्टिकुलर कोई कंट्री का रहने वाला है कोई, या उस पार्टिकुलर उसका कोई रिलीजियन है, ओके, या जेंडर है, तो हम उसके बारे में कुछ पहले से ही सोच लेते हैं कि ये शायद ये ऐसा होगा, तो वो ही कंडीशन प्रिजुडिस में थी, इसमें भी स्टीरियोटाइप में भी। ओके, क्राफ्टी और एक्सट्रावेगेंट, वी आर यूजिंग स्टीरियोटाइप ऑन द कंट्रेरी पीपल ऑफ एनी कम्युनिटी और नेशन कैन बी जनरियस पुअर और लेजी। हम देखें कि ये कौन सी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, कि ये तो डीपीएस में पढ़ता है। ओके, ये कौन सी स्कूल में पढ़ता है, ये डीपीएस में। मीन्स हम सोचेंगे डीपीएस में पढ़ता है इसका मतलब ये काफी इंटेलिजेंट है। ओके, ये हमने पहले से उसके बारे में सोच लिया कि डीपीएस में पढ़ने वाला है ये तो बहुत इंटेलिजेंट होगा और काफी ब्रॉड माइंडेड होगा। ओके, तो इस तरह से हम उसके बारे में एक अपनी जो मेंटेलिटी है सोच है वो डेवलप कर लेते हैं। इट इज बट ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट फेयर टू फिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ए सेट मोल्ड बेस्ड ऑन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी लोगों के ऊपर वो चीज लागू, ठीक है कोई इंटेलिजेंट होगा वहां का, लेकिन ये भी हो सकता है बहुत सारे वीक भी होंगे। इसी तरह पार्टिकुलर वो कंट्री है और हमें ये पता है कि वहां के कुछ लोग हो सकता है टेररिस्ट हो, बट ये भी जरूरी नहीं कि वो सभी टेररिस्ट हो, लेकिन हम ये ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि वो सब शायद एक जैसे ही होंगे। वी टेंड टू बिकम क्रिटिकल ऑफ द सिचुएशन दैट आर नॉट इन एग्रीमेंट विद आवर बिलीफ सिस्टम एंड स्टीरियोटाइप्स। लेकिन हम उनकी जो उनके बारे में जो मेंटेलिटी जो हमने डेवलप कर रखी है हम उसमें चेंज नहीं करना चाहते, उसे हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ रानो। अब अपन एक एग्जाम्पल रहते हैं रानो का, जो कि 12 ईयर ओल्ड है, एक गर्ल है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, और वह स्कूल नहीं जाती। शी स्टे एट हर हाउस टू डू हाउस होल्ड कॉर्स। हाउस होल्ड कॉर्स का मतलब घर का जो काम है वो करती है, घर पर ही रहती है, स्कूल नहीं जाती। और रानोज ब्रदर गोज टू स्कूल, जबकि रानो का जो ब्रदर है वो स्कूल जाता है। बिकॉज ट्रेडिशनली बॉयज गो आउट एंड अर्न मनी, क्योंकि ऐसा माना जाता है अपनी परंपरा है या ट्रेडिशन से जो भी है रूढ़िवादिता है कि जो बॉयज है वो पढ़ लिख जाएंगे, वो बाहर जाएंगे और पैसा कमा कर लाएंगे, इसलिए बॉयज को पढ़ा रहे हैं और गर्ल को नहीं पढ़ा रहे।
तो ये जो मेंटेलिटी है कि जो बॉयज है वो बाहर जाएंगे फिर पढ़ेंगे और फिर कमा कर भी लेकर आएंगे बड़े होने के बाद में, और घर वालों की हेल्प करेंगे, तो ये चीजें अपनी सोसाइटी में बहुत पहले से चली आ रही है। तो यही क्या है, रूढ़िवादिता है, जबकि प्रेजेंट में ऐसा नहीं है और पहले भी नहीं था। जो गर्ल्स थी वो भी एजुकेशन लेती है, बाहर जाती है, कमा कर भी लाती है, अच्छी जॉब भी करती है, ओके, और काफी हेल्पफुल भी होती है। और ये भी जरूरी नहीं कि बॉयज जो है वो सभी अच्छी एजुकेशन ले, बाहर जाएं, कमाएं और कमा कर लाएं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ओके। बट मेंटेलिटी ऐसी बन रखी है कि जो बॉयज है उनको पढ़ाना है बिकॉज वो कमा कर लाएंगे। दिस इज एन एंशियंट स्टीरियोटाइप अबाउट द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर इन ए फैमिली। तो ये क्या है, एक काफी पुरानी एक सोच है, रूढ़िवादिता है, और उन्होंने मेन वुमेन या बॉय और गर्ल के बारे में क्या कर रखे हैं, फिक्स कर रखी है। हाउएवर विद चेंजिंग टाइम, बट अब प्रेजेंट में अब टाइम है काफी चेंज हो रहा है, वुमेन हैव स्टार्टेड टेकिंग अप टफ टास्क आउटसाइड देयर होम। अब जो है जो वुमेन है वो भी अच्छा काम कर रही है, बाहर जा रही है और वो भी रिस्क लेती है, ओके, एजुकेशन भी ले रही है और अर्निंग भी कर रही है, अच्छी पोस्ट पर भी जा रही है, एरोप्लेन भी चला रही है, देश को भी संभालती है, स्टेट को भी संभालती है, फैमिली को भी संभालती है। तो अब प्रेजेंट में क्या है, ये कंडीशन चेंज होती जा रही है और जो कुछ स्टीरियोटाइप की जो चीजें थी वो कम होती जा रही है, ओके। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है इसमें? श्रिया, भव्य, भव्य, दर्शिका, लोकेश, मनीष, नवनीत, ऋषि, ऋतिका, संजय, वंश। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट देखिए स्पेशल नीड्स। अब देखिए अपनी सोसाइटी में बहुत सारे हैं या कैटेगरीज हैं, ओके, ऐसा वर्ग है जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है। स्पेशल नीड का मतलब है उनका कोई विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो है वो डिसेबल्ड पीपल रहते हैं या फिर हैंडीकैप्ड रहते हैं, अपाहिज होते हैं, ओके। डिसेबल्ड का मतलब है उनमें थोड़ी सोचने समझने की शक्ति कम होती है, या हैंडीकैप्ड रहते हैं उनके फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों को स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, ओके। जैसे आपने लास्ट ईयर आपकी क्लास में भी हो सकता है ऐसा देखा हो कि हो सकता है कुछ बच्चे काफी वीक होते हो या उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती हो, तो उनको एक स्पेशल नीड की जरूरत होती है, तो उसकी स्पेशल जो है वो केयर करनी पड़ती है। हम उनकी हेल्प भी करते हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, फैमिली भी करती है, और उनको कुछ एक्स्ट्रा उनको फैसिलिटीज दे दी जाती है, ओके। तो वो ऐसे पीपल हैं जो कि हैंडीकैप है या डिसेबल हैं, ओके, तो उनको स्पेशली नीड्स की जरूरत होती है। देखिए, शालिनी गोज टू स्कूल इन ए व्हीलचेयर। शालिनी है वो पांव से चल नहीं पाती, तो स्कूल जाती है किससे जाती है, व्हीलचेयर से जाती है, बिकॉज वो चल नहीं पाती, ओके। एंड रमन यूजेस है ब्रेली स्क्रिप्ट, और ब्रेली स्क्रिप्ट आप जानते हैं कि वो कौन यूज करते हैं, कि उसमें कुछ प्रिंट रहते हैं, टाइप की मशीन के उसमें कुछ वर्ड्स रहते हैं, और जो बच्चे देख नहीं पाते हैं तो उसको टच करके उससे स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो ब्रेली स्क्रिप्ट रहती है, ओके। टू रीड बोथ आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इस तरह के जो ये दोनों बच्चे हैं कि वो चल नहीं पा रहे, उसके कुछ पाँव में प्रॉब्लम है, ओके, अब वो अपाहिज है, हैंडीकैप है, और दूसरा है कि वो देख नहीं पाता, तो उसको ब्रेली स्क्रिप्ट टच करके ही उसको रीड करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। अर्लियर सच चिल्ड्रन वर कॉल्ड डिसेबल्ड और हैंडीकैप, तो उनको पहले डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड कहा जाता है, प्रेजेंट में उनका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया, ओके। समटाइम्स द वर्ड इम्पेयर्ड इज आल्सो यूज्ड। इम्पेयर्ड इंप्लाइज लॉस ऑफ ए बॉडी पार्ट ऑफ और इट्स एबनॉर्मलिटी। तो इम्पेयर्ड का मतलब क्या हो गया, कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट या तो लॉस हो गया है या फिर उनकी बॉडी के ऊपर उनका खुद का अपना कंट्रोल नहीं है और वो नॉर्मल नहीं रह सकते। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी जैसे वो बिहेव नहीं कर सकते, नॉर्मल लोगों की जैसे वो नहीं रह सकते, बिकॉज या तो उनके कोई बॉडी के पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिर उनकी मेंटेलिटी कंडीशन क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे लोग भी इम्पेयर्ड की कैटेगरी में आते हैं। लॉजिंग एन आईज इन एन एक्सीडेंट, या फिर किसी कारण से किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी जो आईसाइट है वो खत्म हो गई, अब वो देख नहीं पा रहे हैं,
तो वो भी इम्पेयरमेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इम्पेयरमेंट इंटरफेयर्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन। तो ये जरूरी नहीं कि कोई इम्पेयरमेंट है जो उसकी जो योग्यता है उस पर भी कोई बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। डिसेबिलिटीज इज व्हेन ए पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी ड्यू टू सम इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी एक वो चीज रहती है कि जिसमें उसकी वजह से कोई भी जो व्यक्ति है वो कोई पार्टिकुलर वर्क नहीं कर पाता। ओके, कि उसको नॉर्मल जो लोग हैं उनकी जैसे वो वर्क आती है, प्रॉब्लम आती है, जैसे वो चल नहीं पा रहा बिकॉज उसके पाँव में कुछ डिफेक्ट हो गया, पोलियो वगैरह ऐसा कुछ हो गया। ओके, या वो देख नहीं पा रहा, उसकी आंखों में कुछ कोई एक्सीडेंट हो गया, या हो सकता है जन्म से ही वो अंधा हो। ओके, तो देख नहीं पाता, तो इस तरह की कंडीशन आ सकती है कि नॉर्मल लोग जैसे वो अपना वर्क नहीं कर पाते। इज व्हेन ए पर्सन नॉट एबल टू परफॉर्म एक्टिविटी ड्यू टू सम इम्पेयरमेंट। हैंडीकैप इज एन आउटकम ऑफ द डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट एंड रिस्ट्रिक्ट ए पर्सन फ्रॉम प्लेइंग द रोल एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स इन नॉर्मल कंडीशन। और अपनी सोसाइटी में, परिवार में वैसा रोल प्ले नहीं कर सकता जैसा कि नॉर्मल लोग करते हैं। टुडे दिस टर्म हैज चेंज्ड एंड नाउ दे आर नोन एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो प्रेजेंट में अभी इनको हैंडीकैप या डिसेबल या इम्पेयर नहीं कहा जाता है, बल्कि उनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है कि ऐसे लोग हैं उनको विशेष नीड्स की जरूरत है, उनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, कि उनको उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उनको अपनी ज्यादा हेल्प की जरूरत है। ओके, बिकॉज वो क्या है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी होती है, इसलिए स्पेशल केयर की उनको जरूरत है। ओके, क्लियर है बच्चों? ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, कम ऑन द पेज नंबर 214, नेक्स्ट पेज पर आइए, 214 पेज नंबर। अब देखिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपनी सोसाइटी में ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है कि कौन अपर कास्ट का है, कौन लोअर कास्ट का है, कौन मीडियम। ओके, तो कास्ट का जो सिस्टम है तो अपने यहाँ पर जो एंशियंट टाइम है उस समय से चलता आ रहा है, उस समय ओनली फोर कास्ट थी। ओके, जो अपर कास्ट थी वो ब्राह्मण, नेक्स्ट कौन सी थी, सेकंड नंबर पर क्षत्रिय, थर्ड नंबर पर वैश्य। ओके, वैश्य मीन्स बनिया वगैरह। ओके, एंड फोर्थ पर कौन थी, शूद्र, जो कि सर्विस से रिलेटेड वर्क करती थी, सेवा संबंधित काम करती थी, वर्क संबंधित रिलेटेड वर्क करती थी। तो इस तरह से उनकी अपनी सोसाइटी में एंशियंट टाइम में ओनली फोर कास्टेज थी। ओके, बट आफ्टर उसके काफी इनमें सब कास्टेड बन गई। ओके, जैसे जो इमेजिन कीजिए क्षत्रिय है उसमें बहुत सारी कास्टेज मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से वेश्या जो उसमें भी कहीं मिल जाएगी, तो इस तरह सब कास्टेज और हो गए और बहुत सारी कास्टेज अपने हो गई। ओके, तो उनमें क्या होता है, अपर और लोअर के हिसाब से उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, अनटचेबल्स भी होते हैं लोग, इनसे दूर रहना, ये अनटचेबल है, इनसे अनटचेबल मीन से अछूत है। ओके, तो उनसे दूर रहना, उनसे कोई हमें कुछ ज्यादा उनसे कोई मेलजोल नहीं रखना है। ओके, तो इस तरह से अपनी सोसाइटी में काफी उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, तो वो कहलाते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज एग्जिस्टेड इन द इंडियन सोसाइटी सिंस एंशियंट टाइम्स। तो एंशियंट टाइम से ही अपनी सोसाइटी में चला रहा है। इट इन्वॉल्व्स अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और अपनी जो सोसाइटी है वो उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर क्या की गई है, डिस्क्राइब की गई है या डिवीजन की गई है, यानी उनको आपस में बांटा गया है। ओके, देखिए, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हायरार्की। हायरार्की मींस होता है वंशानुगत, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा क्या होगा, ब्राह्मण ही होगा। ओके, वो वर्क कुछ भी करता हो बट वो कहलाएगा ब्राह्मण। ओके, तो इसी तरह जो क्षत्रिय है, जो सैनिक वगैरह होते हैं, ओके, सोल्जर्स, तो उनका बेटा भी क्या होगा, सोल्जर होगा या सैनिक होगा, उस कैटेगरी में उसको शामिल किया जाता है। तो अपने जो एंशियंट टाइम में उसमें क्या था, द फोर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्राज वर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे अपर में ब्राह्मण, सेकंड नंबर पर क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य एंड फोर्थ पे शूद्र। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। ओके, अंडर दिस सिस्टम एक्टिविटीज लाइक कटिंग हेयर, मेकिंग पॉट्स, वॉशिंग एंड क्लीनिंग वर रिगार्डेड एज टास्क ऑफ लेस वैल्यूज। तो इसमें क्या था, जैसे कटिंग हेयर है, कटिंग का जो बाल वाल काटते हैं, ओके, बार-बार, या फिर मटके बनाने वाले हैं, या फिर कपड़े धोने वाले हैं, या फिर क्लीनिंग साफ सफाई करने वाले थे, ओके। तो इनकी जो सोसाइटी थी, तो सोसाइटी में लेस वैल्यू थी, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस कम मानी जाती थी। उनसे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उनसे दूरी बनाकर रखते थे, उनको अनटचेबल्स मानते थे। आगे बात समझ ले, तो इस तरह से उनके साथ में भेदभाव होता था। पीपल परसुइंग दीज प्रोफेशंस वर रिगार्डेड ए अनटचेबल्स। तो इस तरह का जो वर्क करने वाले लोग थे उनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखा जाता था। ओके, दे परफॉर्म द मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ लेबर इन इंडियन सोसाइटी, इंक्लूडिंग दैट रिमूविंग ह्यूमन और एनिमल वेस्ट और वर्किंग इन टेनरीज। तो इस तरह के जो लोग थे वो सोसाइटी में जो है साफ सफाई से वर्क रिलेटेड वर्क भी करते थे, एनिमल वेस्टेज है, ह्यूमन वेस्टेज है, ओके, और जो वेस्टेज होते हैं उनकी साफ सफाई से रिलेटेड ये वर्क करते थे। ओके, तो उनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखा गया। दिस कास्ट सिस्टम, ये जो बॉक्स में है ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इसको आप सेव डन करना, ये हम लास्ट में कर लेंगे। ओके, द कास्ट सिस्टम गेव राइज टू हेट्रेड एंड आवर सोसाइटी वीकेंड। तो इससे अपनी सोसाइटी पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और अपनी जो सोसाइटी है वो काफी वीक हो गई। इट वॉज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दैट इट वॉज रियलाइज दैट दिस कास्ट सिस्टम डिवाइडेड ऑल इंडियंस। तो जब फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो उस समय ये रियलाइज किया गया, उस समय ये फील किया गया कि अपनी जो सोसाइटी है वो अकॉर्डिंग टू कास्ट डिवाइड की गई है। तो इससे अपनी जो इंडिया, अपना जो इंडिया है वो काफी वीक हुआ है। अपना जो इंडिया है वो क्या हुआ है, वीक हुआ है, क्योंकि अपने एक समाज की एक बुराई है, उससे इंडियंस में क्या हो गया, डिवाइजेशन हो गया, और वो जॉइंटली या यूनाइटेड रूप से क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय इनको ये पहली बार फील हुआ। तो उस समय क्या हुआ, बीइंग ए परफेक्ट रोल मॉडल, गांधी जी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द शूद्रास। तो उस समय जो गांधी जी थे उन्होंने जो शूद्र लोग थे, यानी जो हरिजन वगैरह, हरिजन उन्होंने नाम दिया था, तो ये ऐसे जो लोग थे जो कि समाज की सेवा से, सफाई से रिलेटेड वर्क करते थे, जिनको जो नॉर्मल अपर कास्ट के लोग हैं बिल्कुल अलग मानते थे, तो उनके लिए उन्होंने वर्क किया। ओके, और उन्होंने उनको एक नया नाम दिया जिसे हरिजन कहा गया। ओके, तो जो शूद्रास थे उनको हरिजन नेम किसने दिया, गांधी जी ने। ओके, तो हरिजन का मतलब क्या हो गया, हरिजन यानी कि चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, यानी कि ईश्वर की संतान। ओके, ही लिव्ड एंड वर्क विद देम। तो गांधी जी उनके साथ में रहते थे, उनके साथ में वर्क करते थे, जिससे कि जो नॉर्मल लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं तो उनमें और लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंसेस है वो दूर जा सके। ओके, और लोगों को बताया जा सके कि सभी का जो वर्क रहता है वो अपने लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है अपनी सोसाइटी के लिए। जैसे ब्राह्मण जरूरी है वैसे शूद्र भी जरूरी है, तो सभी लोग क्या है, इक्वल है, और सबका वर्क क्या है, सोसाइटी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सम पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ बीइंग पुअर एज वेल एज फॉर बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। कुछ लोग हैं बहुत गरीब है, या उनको जो अपना जो उनका कल्चर है वो डिफरेंट है, ओके, उससे बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स, तो जो ट्राइबल्स है जो कि जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ओके, जो एक जगह सेटल नहीं रहते हैं, तो उनका कल्चर ऐसा है कि उनको ये वर्क करना पड़ता है। ट्राइबल्स इन इंडिया आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड सोशल ग्रुप। तो ऐसे जो ट्राइबल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी जिसे हम कहते हैं, तो उनको भी अपनी सोसाइटी में काफी इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्टेड ग्रुप माना जाता है उनको। ओके, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस दे आर इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ कल्चर डिफरेंसेस। अब आपने देखा होगा कि इतनी इतने ईयर्स हो गए अपनी कंट्री को आजाद हुए, फिर भी अभी भी वो वैसी ही कंडीशन में, ओके, क्योंकि उनका वो कल्चर है और वो वैसे ही रहना चाहते हैं, अपने कल्चर में वो चेंज नहीं करना चाहते। ओके, तो
उनको बैकवर्ड सोसाइटी में मान दिया जाता है। आपने देखा होगा कि हम आते जाते कहीं पर देखते हैं कि जो चोरा है या कोई कहीं पर आपने देखा होगा जो लुहार है, ओके, तो वो क्या करते हैं टेंट बनाकर कहीं पर रहते हैं, तो उनका कल्चर है वो वैसे ही रहना चाहते हैं, तो लोग उनको बैकवर्ड क्वालिटी का या बैकवर्ड सोसाइटी के से मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनका कल्चर है और वो उसमें चेंज नहीं करना चाहते और वो वैसे ही रहना चाहते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में कुछ पूछना है? रितिका, दर्शिका, श्रियांश, श्रियांश आप अपना नेम प्रॉपर लिखो, ये हटाओ, ये साइड में आपने क्या हैश परसेंटेज क्या लगा रखी है, ओनली नेम। यहाँ पर दर्शिका आपने ये क्या बना रखा, आपने नाम क्या है, हटाओ इसे, ओनली दर्शिका होना चाहिए। आप ये एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिखा करो अपने, कोई ये हार्ट बना रखा है, कोई ये परसेंटेज कर रखे हैं, कोई शॉर्ट में कोई एक्स लिखता है, कोई वाई लिखता है, ओके। श्रियांश अपना राइट ओनली योर नेम, कोई इसमें सिंबल साइन कुछ नहीं होना चाहिए। श्रियांश अपना नाम से लिखिए, ये हटाओ, ये ब्रैकेट एंड परसेंटेज हैश ये सब हटाइए। आपके स्कूल में रजिस्टर में ये लिखा है क्या, हैश हैश परसेंटेज परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट श्रियांश और बीच में ये डैश डैश परसेंटेज परसेंटेज, प्रॉपर में लिखे नाम? वेरी गुड दर्शिका, वेरी गुड। हाँ इस तरह सिंपल नेम लिखा करो, ओके। श्रेयांश आपका नाम ही इतना अच्छा है कि आपको किसी सिंबल की जरूरत ही नहीं है, दर्शिका इतना अच्छा नाम है, आप उसमें पता नहीं परसेंटेज और हार्ट हैश स्लैश क्या क्या उसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट, फाइटिंग फॉर इक्वलिटी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, मेन मेन वोमेन, वो कोई से भी रिलीजियन का हो, कोई से भी कल्चर वो फॉलो करता हो, कोई से भी लैंग्वेज बोलता हो, सभी क्या है इक्वल, किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं सभी को, ओके। बट फिर भी कई बार क्या होता है उनमें आपस में ऐसे कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से आपस में स्ट्रगल होता है और ये काफी पहले से चला रहा है, ओके। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, फाइटिंग फॉर इक्वलिटी यानी कि एक इक्वलिटी में समानता के लिए संघर्ष, ओके। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज आल्सो ए फाइट फॉर इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। जो फ्रीडम स्ट्रगल था, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था, वो आजादी के साथ में और किसका स्ट्रगल था, फाइट फॉर इक्वल स्टेटस की, जो सोसाइटी है उसमें सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, सबको समान अधिकार मिले, ओके, इसके लिए भी वो एक संघर्ष था। देन अंडर प्रिविलेज सेक्शन, अंडर प्रिविलेज का मतलब है जो बैकवर्ड क्लासेस थे, ओके, सेक्शन वांटेड इक्वल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, तो जो बैकवर्ड क्लासेस थे, बैकवर्ड कैटेगरीज थी, तो उन्होंने स्ट्रगल किया कि जब अपना देश आजाद होगा तो हमें इक्वलिटी चाहिए, कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, अनटचेबल्स जैसी जो कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए और सभी लोग क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किसी को स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को राइट्स नहीं मिले, सब जो भी है इंडियंस वो सभी क्या है इक्वल है और इक्वल सबके लिए राइट्स है, ओके। और सभी जो अपने यहाँ रिसोर्सेज है अपॉर्चुनिटीज है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वुमेन डिमांडेड एजुकेशन, कि जो वुमेन वुमेन है महिलाएं वो भी डिमांड करने लगी एजुकेशन के लिए, कि एंशियंट टाइम में क्या था, या एंशियंट वैदिक टाइम की बात नहीं करें, जैसे मुगल्स के टाइम में ऐसा कुछ हुआ था कि उसमें जो वुमेन थी उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने डिमांड की कि हमको भी एजुकेशन चाहिए, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी चाहिए, ओके। पीजेंट एंड ट्राइब्स वॉन्टेड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रूथलेसनेस लेस लैंड ओनर्स एंड मनी लेंडर्स हु मेड देयर लाइफ मिजरेबल। और जो पीजेंट है किसान है या ट्रेवल्स है, ये भी चाहते थे कि जो पुरानी जो पद्धति है जिसमें जो लैंड ओनर्स है या जो पैसे वाले जो लोग थे वो उनका शोषण करते थे, तो उससे भी उनको क्या चाहिए था, छुटकारा चाहिए था, ओके। उनकी जो कंडीशन थी मिजरेबल यानी बहुत उनकी प्रॉब्लम थी, तो
मनी लेंडर्स थे उनको पैसे दे देते, ब्याज उनसे काफी ज्यादा लेते, उनकी जमीनें छीन लेते, तो ये सभी कंडीशन से वो क्या चाहते थे, छुटकारा चाहते थे। पीपल हु रोट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द इनइक्वलिटीज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। तो ऐसे मेंबर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ओके, और उसमें वो शामिल थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो उन्हें अच्छी तरह पता था कि अपनी सोसाइटी में कौन कौन सी जो बुराइयां हैं और उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। ओके, मेनी पीपल जैसे कि अपने डॉक्टर अम्बेडकर हैं, और अनफॉर्चुनेटली हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो इनको खुद को ये पता था कि वो एक लोअर कास्ट से है और उनके साथ में कैसा बिहेव होता था, कैसा उनके साथ में ट्रीट किया जाता था, कैसे उनके साथ में व्यवहार किया जाता था, और वो किस तरह से वो फिर भी उसको एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की। तो उनको खुद को ये एक्सपीरियंस था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ में बैड बिहेव किया जाता है। देयरफॉर व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैड द विजन ऑफ इंडिया वेयर इन एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उनको ये पता था, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि इनइक्वलिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं और इक्वलिटी हम कैसे ला सकते हैं कि सबके साथ में इक्वल बिहेव किया जाए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द फॉलोइंग्स। अब देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जो कि उसमें बनाया गया था, इक्वल राइट्स हैव बीन गिवन टू ऑल, कि देश आजाद हो गया, अब सभी लोग क्या है, इक्वल है, किसी को स्पेशल राइट नहीं है, सभी इक्वल है, चाहे वो कोई से भी धर्म का यानी रिलीजन को वो बिलोंग करता हो, या उसका कल्चर कैसा हो, ट्रेडिशन कैसा हो, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसका कलर कौन सा, उसकी कास्ट कौन सी है, उसकी है, और एज उसकी कोई सी भी हो, तो इसमें कोई किसी के साथ में कोई, उसका जेंडर भी कोई सा भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, जो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी फैसिलिटीज मिलेगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो सभी को इक्वल मिलेगी, कोई किसी साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। ओके, इक्वल राइट्स हैव बीन गिवन टू ऑल एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इंडिया में उसका बर्थ कोई से भी जगह हुआ हो, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं पर भी हुआ, वो इंडियन माने जाएगा और उसके साथ में इक्वल बिहेव किया जाएगा। बर्थ इज नॉट अलाउड। सेकेंड क्या है, द स्टेट हैज बीन गिवन द पावर टू फेवर डिसएडवांटेज ग्रुप दैट इंक्लूड वुमेन, चिल्ड्रन, शूडर कास्ट, शूडर ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड फिजिकल चैलेंज पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी किया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, एस सी, एस टी, ओ बी सी, या फिर मेन जो वुमेन है या चाइल्ड है, इनको भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। ओके, और किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑल इंडियंस आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सभी लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रिच है या पुअर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, गोरा है, काला है, बॉय है, गर्ल है, मैन, वुमेन, कोई भी लैंग्वेज बोलने वालों, सभी लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में या फिर जो कानून है उसकी नज़र में क्या है, इक्वल है। अगर अमीर व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, क्राइम करता है, तो उसके साथ में भी वैसा ही ट्रीट किया जाएगा, वैसे उसको पनिश किया जाएगा जैसे कि कोई गरीब करता है। ओके, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके, ऑल इंडियंस आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, नोबडी शुड बी इल ट्रीटेड, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इन द नेम ऑफ कास्ट, कि उसका नाम क्या है, उसकी कास्ट कौन सी है, रिलीजन कौन सा है, उसका जेंडर क्या है। ओके, तो इस बेस पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज नॉट अलाउड इन आवर कंट्री, और छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी है वो भी अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इलीगल माना जाता है, उसका अपराध माना जाता है, इसीलिए अपने यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी है, ओके, तो उसे खत्म किया गया कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, बिकॉज सभी लोग क्या है, बिकॉज ऑल पीपल्स आर इक्वल। ओके, एवरीवन इज फ्री टू परस्यू द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर चॉइस एंड टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि सभी लोगों को अपना जो रोजगार है वो करने का अधिकार है, उसकी उससे स्वतंत्रता, वो फ्री है कि वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई सा भी वर्क कर सकता है। बट जो कानून की नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए वो, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो कैसा भी जॉब कर सकता है। ओके, और इंडिया में
कोई से भी पार्ट में वो रह सकता है, उसके लिए उसको उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको कोई रोकेगा नहीं, उसका जहां पर जॉब लगता है वहां पर सेटल हो सकता है और अपनी आजीविका वो चला सकता है। ओके, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और 5, 6, 7 पॉइंट और जो नेक्स्ट वाले हैं वो भी आप एक बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप उसे रीड कर लेना, आज जो भी हमने पढ़ा है ओके उसे भी एक बार रीड करना, जो नहीं आए वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछना, इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक आज जो हमने डिस्कस किया बिल्कुल इजी से पॉइंट थे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। ओके, अगर आपको कुछ पूछना है जो आज हमने डिस्कस किया नहीं आ रहा अभी पूछ लीजिए, 2 मिनट। कुछ पूछना है बच्चों?